बड़ी ही भक्ति और उत्साह के साथ जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है। खास बात ये है कि उड़ीसा के मयूरभंज में केवल महिलाएं मां सुभद्रा का रथ खींचती हैं। रथ यात्रा निकालने की तैयारी काफी समय पहले शुरू हो जाती है और रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जाती है। उड़ीसा के मयूरभंज में इस बार भी बड़े ही उत्साह के साथ रथ यात्रा निकाली गई। हमारा परंपरा है इस रथ को हमारे बारिकोदा भवन से कोने कोने से सब महिला आकर इसको लेके जाती है और बहुत अच्छा लगता है ये जो परंपरा हमारा यहाँ पर। तीन रथ बनाया जाता है महाप्रभु बलभद्र के लिए, देवी सुभद्रा के लिए दर्पदलनाथ और जगन्नाथ के लिए नंदीघोष रथ होता है और इसका न्याला परंपरा है। जब गिरी में सुबह पौंडी विजय करते हैं वो रथ के ऊपर महाप्रभु, यहाँ शाम को विजय करते हैं और फिर वो दूसरा दो दिन पौंडी के बाद उस दिन रथ को खींचा जाता है। पहले बलभद्र को रथ को खींच के महाशिमा मंदिर के निकट पहुंचने के बाद देवी सुभद्रा को रथ को महिला और माँ महाशिमा ने टांगते हैं, फिर लास्ट दिन में माँ महाशिमा ने सुभद्रा को रथ को लेकर महाशिमा निकट मंदिर में निकट पहुंचाने के बाद तो महाप्रभु जगन्नाथ का रथ को खींच के लेते हैं। ये तीन दिन के रथ परंपरा होता है। यहाँ का न्याला परंपरा है देवी सुभद्रा को रथ को 1975 मस्या से महिला अंतर्जातीय दिवस के दौरान महिला को सम्मान देते हुए ये व्यवस्था किया गया है। उस टाइम का प्रशासन, उस टाइम का बारीकपुरा नागरिक सब लोग मिलावट होके एक माहौल बनाया कि कैसे लेडीज लोग को सम्मान दिया जा सकता है, लेडीज लोग को सामने ला जा सकता है। इसी के दौरान बारीकपुरा में उस वक्त 1975 मस्या में देवी सुभद्रा को केवल महिला खींचने की व्यवस्था किया गया।